पर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के साथ साथ में एक मॉरल ड्यूटी पूरी करने के लिए, भारत के लिए मॉरल सपोर्ट के लिए, मॉरल साइंस के लिए, ताकि उनका मॉरल ऊंचा रहे और वो दुनिया में ऊंचे रहे, एक किताब और भी दी थी जिसको दुनिया धम्म एंड हिज बुद्ध एंड हिज धम्म के नाम से जानते हैं। तो आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, संविधान अकेला काम कर लेगा और उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या बाबा साहब के ने दूसरी किताब दी उसका कुछ औचित्य है? ये आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है, क्योंकि बिना इस सवाल के मेरा मंतव्य पूरा नहीं हो रहा था इसका जवाब दिए बिना। जैसा कि मैंने संविधान की चर्चा करी कि संविधान एक ब्लूप्रिंट है हमारे देश का, देश को आगे ले जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक और दूसरा हमको ग्रंथ दिया था, धार्मिक ग्रंथ जिसको लोग बोलते हैं। वो वास्तव में ऐसा ग्रंथ है कि उससे सामाजिक एकता, संविधान की मूल भावनाएं सारी की सारी परिपूर्ण होती हैं। उसका नाम है बुद्धा एंड इस धम्मा। ये उसी समय का ग्रंथ है जिस समय का ग्रंथ भारतीय संविधान था और है। भारतीय संविधान 1950 में था, लागू हुआ, और बुद्धा एंड इस धम्मा बाबा साहब ने 1956 में दिया। 1956 और 50 के बीच का जो पीरियड था वो अपने हिसाब से जैसे जिसको अच्छा लगा चलाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम और जय जयकार करने से, उनके नाम से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करने से काम पूरा नहीं होने वाला था। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि संविधान का नाम, संविधान की जय जयकार, संविधान को बचाने से काम नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट में दी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आर्टिकल 12-13 से लेकर के 51A तक जो दिया गया था उसको अगर मूल रूप में कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया होता तो देश का बहुत कुछ विकास हो गया होता। अब सवाल आया कि इसी विकास के साथ साथ, जैसा कि आपने कहा है कि क्या यही एक काम काफी है, बुद्धा एंड धम्मा की क्या भूमिका रहेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं उसके बारे में कि बुद्धा एंड इस धम्मा एक ऐसी चीज दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसके बाद किसी भी देश को, मैं यहां पर बड़ा जोर देकर कह रहा हूं, किसी भी देश को, यानी पूरे संसार के लिए बात कर रहा हूं, कि बुद्धा एंड इस धम्मा, बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का काम अगर कर लिया गया होता तो किसी भी देश को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समाज को, किसी भी धार्मिक अनुयायी को किसी भी उल्टी सीधी चीज में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो हम देख रहे हैं, चाह बहुत सारे धर्म इस देश में हैं, बहुत सारे धर्म, कोई गिनती नहीं है। उन धर्मों के अंदर आपस में एक दूसरे को श्रेष्ठता दिखाना, नहीं माना तो जोर जबरदस्ती करना, नहीं माना तो मारपीट करना, हत्याएं करना, जो हो रहा है आज आपके सामने है। देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन सब चीजों को रोकने के लिए बुद्धा एंड इस धम्मा एक ऐसे ग्रंथ है इस समय कि अगर उस पर भी गौर किया जाए तो पूरे संसार का वातावरण विकसित हो जाएगा, पूरा संसार सुख समृद्धिशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा यह विवाह कहना है। लेकिन हो क्या रहा है, हर देश अपने आप को धर्म के आधार पर अपने आप को बताना चाह रहा है। अभी तक हमारा देश इन चीजों में थोड़ा पीछे था, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि देश के ऊपर धर्म बड़ा हावी हो रहा है। एक बहुसंख्यक अपने आप को कहने वाले लोग हमारे देश में, वो हमको घुट्टी, पूरे देश को, हमको मतलब पूरे देश को एक घुट्टी पिला रहे हैं कि हमारा देश तो हिंदुस्तान है, हमारा देश भारत नहीं है। भारत कहते हैं सिर्फ सुनाने के लिए, क्योंकि संविधान में कहा गया है आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत, कहीं हिंदुस्तान का नाम नहीं है संविधान में, लेकिन लोग हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। हिंदुस्तान का नाम लेने के पीछे एक ही एक कारण है कि किसी तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात जमा दें कि हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, जबकि ऐसा नहीं है। अरे हिंदुस्तान का जो आप नाम ले रहे हैं, मैं इसे भारत कहता हूं। इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी तो हैं। क्या सभी को एक धर्म का ही आप बाध्यता करेंगे?
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो धर्म है वो लोगों का इंडिविजुअल एक क्षेत्र है। धर्म को व्यक्तिगत तौर पर अगर माना जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर धर्म को आप देश के ऊपर थोपना चाहें, किसी दूसरे समाज के ऊपर थोपना चाहें, तो ये बड़ा गलत काम होगा जो कि आज होने जा रहा है। मैं विनती करूंगा आज के इस माहौल में जो इस तरह के कट्टरवाद को पनपा रहे हैं, वो मेहरबानी करके देश को छत विक्षत होने से बचाएं, क्योंकि विकसित भारत, सोने की चिड़िया भारत, इन बातों से नहीं होने वाला। इस धर्म की जो छीछा लेदर करके एक धर्म को दूसरे के ऊपर एक जबरदस्ती लादने की कोशिश, इस देश के नाम पर, इस देश के ऊपर एक हिंदुत्व, एक हिंदू धर्म को थोपने की साजिश ये जो सरकार कर रही है, मैं इसे अपील करूंगा कि ये थोड़ा सा सोच समझ के काम करे और संविधान के हिसाब से काम करे। सोच समझ के मेरा मतलब संविधान, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के एक मैग्ना कार्टा बनाया था, उसका ध्यान रखे, उस मैग्ना कार्टा के हिसाब से अगर काम चल जाएगा तो मेरे ख्याल से काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। संविधान में तो आपको देखिए आर्टिकल 25 से 30 तक क्या लिखा है, क्या ऐसा हो रहा है? धार्मिक आजादी है, अपने अपने हिसाब से चलने की आजादी है, खाने पीने पर पाबंदी, ये सब हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जो बुद्धा एंड धम्मा में बात कही गई है उनको भी सत्यानाश कर रहे हैं, उनको जानते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। यहां तक मैं कहूंगा कि अगर कोई बुद्ध धम्म की बात बताने जा रहा है तो इस देश के जो दूसरे कट्टरपंथी हैं, किसी एक विशेष धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी कट्टरपंथी धार्मिक हैं वो बुद्धा से इतना चिढ़ते हैं कि पता नहीं उनका क्या लूट लिया, जबकि बुद्ध ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। बुद्ध ने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, अरे कौन सा बुरा काम है? बुद्ध के धम्म में कहीं भी हिंसा और मारकाट की बात नहीं है, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। एक इसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करूंगा कि जो अशोक सम्राट था, जो एक बहुत मारकाट करी थी उससे पहले जब वो बुद्ध नहीं था, उसके बाद देख लीजिए आप 2032 BC के बाद का, आज करीब 2500 साल का पीरियड होने जा रहा है, बुद्ध को आप पढ़ के देखिए और देखिए क्या है, सारा का सारा चीज इतना अच्छा उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस है कि लोग उसके मर्म को नहीं जानते और जो बताना चाह रहे हैं इस देश में बुद्ध धम्म के बारे में उससे विरत कर रहे हैं, कहीं कुछ बोलने जा रहे हैं, कहीं कुछ बोलने जा रहे हैं। बुद्ध ने तो बोला था पंचशील, सारी चीजों का निचोड़ है सर, अगर पंचशील पे आप गौर करेंगे और उसके हिसाब से लोगों को बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि पंचशील को एक तरफ रख दो, मारकाट की बात करो, राम को भी तीर कमान के साथ दिखा रहे, सबरी के बेल खाए प्रेम के साथ कैसे रहे वो नहीं दिखाया जा रहा, हनुमान का रूप देखने को जो मुझे मिल रहा है आजकल कारों के पीछे, एक विशेष तरह की आकृति दिखाई जा रही है, हाथ में गदा है, काली को दिखाया जा रहा है तो हाथ में पता नहीं क्या क्या है, ये क्या है? अगर हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता इस तरह के हैं, मारकाट करने वाले हैं, तो उसे मारकाट ही पैदा होगी ना, समाज में वही तो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कभी ऐसा, या बुद्ध के शासन काल में या बुद्ध के बाद में जो भी शासन करता रहे, कोई एक वर्ग विशेष नहीं रहा, उसमें ब्राह्मण भी रहे, उसमें क्षत्रिय भी रहे, उसमें ओबीसी भी रहे, उसमें शूद्र भी रहे। बुद्ध का जो शासन चलाया इन सभी राजाओं ने चलाया, और जिन जिन के शासन काल में इस तरह की बातें हुई, प्रेम, करुणा और मैत्री भाईचारे की समृद्धि आई, आज भी आ सकती है, मैं दावे से कहता हूं। बुद्ध का धम्म के हिसाब से अगर आप अपना चाल चलन बनाएंगे, नियम नीति बनाएंगे, ये मारकाट को दूर अपने आप भाग जाएगी। अफसोस इस बात का है कि लोग जानबूझ करके ऐसा काम नहीं कर रहे। इसीलिए श्रीमान जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बुद्धायणी धम्मा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई कट्टरता नहीं है, बड़ी स्वतंत्रता दी है उसमें, बड़ी समानता की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है। ये जब आ जाएगा अपने समाज में, सामाजिक एकरूपता आ जाएगी, समाज प्रेम से रहेगा, मारकाट बंद हो जाएगी, समृद्धशाली भारत हो जाएगा। कुल मिला के बुद्ध का धम्म, भारतीय संविधान को सही मायने में अपनाने की जरूरत है, और ये कौन करेगा? ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक कॉमन मैन हूं, मेरी तो ये पुकार है। मेरे और देश के जो देशवासी हैं, 100, 150, जितने 130 करोड़ बोलते हैं आप, उनके हाथ में भी नहीं है। ये सारा का श्रेय जाता है, जैसे कि पुराने जमाने में राजा किया करते थे,
आज के जमाने में देश के सत्ताधारी वर्ग, जिसमें प्रधानमंत्री की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अगर प्रेसिडेंट से सिस्टम होता तो हम प्रेसिडेंट को जिम्मेदार ठहराता था। यहाँ पर इस देश के मंत्रिमंडल, इस देश के कर्ता धर्ता, इस देश के प्रधानमंत्री, इनकी प्राइम ड्यूटी है कि विकसित भारत करना है, सोने की चिड़िया भारत करना है, विकासशील भारत करना है, सबका साथ सबका विकास करना है। तो मेरे भाई साहब, आप उस बात को ध्यान दीजिए जो कि आपके पास है, जिसको आप देख नहीं रहे, लोगों को उल्लू बना रहे हैं उसके नाम पे, संविधान का पता नहीं क्या क्या पूजा कर रहे हैं, बुद्धा की पूजा कर रहे हैं, अंबेडकर की पूजा कर रहे हैं। पूजा से काम नहीं चलने वाला, उन्होंने जो कहा है उस पर गौर करने की जरूरत है। अगर आपने उस पर गौर करके काम करना शुरू कर दिया, मेरा दावा है श्रीमान जी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और आपका भारत विकसित हो जाएगा। धन्यवाद।